पन्ना जिले के सिमरिया थाना प्रभारी संदीप दीक्षित पुलिस स्टाफ के द्वारा हाई सेकेंडरी स्कूल सिमरिया में एक बच्चे का उदाहरण देते हुए गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तृत जानकारी दी। थाना प्रभारी ने कहा कि बच्ची महिलाओं के साथ किसी प्रकार की भी गलत हरकत असामाजिक तत्व करते हैं, पहले आप अपनी माँ को बताएं, अपने सहेली को बताएं, पुलिस को बताएं, जिससे हम आपके सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। थाना प्रभारी द्वारा सिमरिया स्कूल के छात्र छात्राओं के साथ मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया है, जिसमें हाई सेकेंडरी स्कूल से सिमरिया थाना तक मिनी मैराथन दौड़ में बच्चों ने भाग लिया। मैं हूं अभिमन्यु। कार्यक्रम की जागरूक अभियान चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। जो हमारे थाना प्रभारी सिमरिया TI हैं, काफ़ी जगह जगह चौराहन चौराहन पे कार्यक्रम कर रहे हैं और महिलाओं बेटियों को जागरूक कर रहे हैं कि बैड टच और गुड टच आखिर ये है क्या। इस संबंध में हम पूरी जानकारी हमारे थाना प्रभारी सुनील दीक्षित जी हैं, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। मैं हूँ अभिमन्यु। कार्यक्रम जो पूरे देश में चल रहा है, इसमें हमारे थाना प्रभारी द्वारा जगह जगह चौराहन चौराहन जाकर के महिला बेटियों को जागरूक किया जा रहा है। हमारे साथ थाना प्रभारी संदीप दीक्षित जी उपस्थित हैं, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, जो अभिमन्यु कार्यक्रम चल रहा है, इस संबंध में जो आप सिमरिया में जागरूक कर रहे हैं, आज हाई सेकेंडरी स्कूल में गए थे आप, इस संबंध में आपने क्या बताया? क्या जागरूक? ये अभी मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुरूप PHQ मुख्यालय द्वारा लगातार नेहरू अभिमन्यु कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है, जो कि 12 अक्टूबर तक जागरूकता कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, मिनी मैराथन और बस स्टैंड स्कूलों में जाकर के जागरूकता कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत जो है आज हाई सेकेंडरी स्कूल से थाना परिसर तक मिनी मैराथन दौड़ आयोजित की गई, जिसमें बच्चों को जानकारी दी गई है तथा जो चक्रव्यूह बना हुआ है अब, जो अशिक्षा का, अश्लीलता का, दहेज का और नशा का और अश्लीलता असंवेदनशीलता का, तो इसको तोड़ने के लिए बच्चों को उसके संबंध में जागरूक किया जा रहा है, ताकि जब बच्चे ही अभिमन्यु बन करके, जनता ही अभिमन्यु बन करके उस चक्रव्यूह को तोड़ेगी, आवाज़ उठाएगी, तो निश्चय ही हम सफल हो पाएंगे और इन अपराधों पर रोकथाम लगा पाएंगे। सर, जैसे बैड टच और गुड टच है, इस संबंध में आपने जो बहनों बेटियों को एक शिक्षा दी है, इस संबंध में आप क्या उपदेश देना चाहते हैं? आज गुड टच और बैड टच की जानकारी लगातार दी जा रही है, क्योंकि बच्चे जो हैं, छोटे बच्चे को समझ नहीं आता है या उसको जो है इग्नोर कर देते हैं, तो उनको बताया जा रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। जब उनको जानकारी होगी तो शिकायत करेंगे, शिकायत होने पर ही हम उस पर कार्रवाई करते हैं।